1 से 30 जून बड़ी भविष्यवाणी वृश्चिक राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानकारी देंगे वृश्चिक राशि वालों के विषय में कि अगर आपकी वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है तो यह माह आपका कैसे बीतने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ग्रह गोचर बहुत बढ़िया नहीं है, तो इसलिए अगर आप सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं अपनी राशि की तो यह वीडियो आपके लिए नहीं। कुछ मामलों में तो निश्चित रूप से प्रॉफिटेबल रिजल्ट जबरदस्त तरीके से आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ आपको शुरुआत का समय व्यतीत करना होगा। तो अगर शुभ और अशुभ फल दोनों आप जानना चाहते हैं तो ही यह वीडियो पूरी आपके लिए है। पहले बता दें कि यह राशि फल आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, ज्यादा सटीकता मिलेगी। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड नंबर बचता है, आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। लेकिन अगर चंद्र लग्न के विषय में आपको जानकारी ही नहीं है तो ऐसे में भैया अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए और उपाय करिए, उपाय में बड़ी दम होती है। जानते हैं प्लेनेटरी पोजिशन आपकी कुंडली में किस प्रकार की बनी हुई। पंचम भाव में राहु का यथावत गोचर बना हुआ है और थोड़ा माइनस पॉइंट ये है कि वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में जो लग्नेश मंगल देवता है ये पूरा जून छठे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि अपने राशि में है शत्रुहंता योग बना करके बैठे हैं, जिसके प्रभाव से शत्रुओं का ये विध्वंस करेंगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में यदि आप फंसे हो तो उसमें निश्चित तौर पर राहत दिलाएंगे, लेकिन ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ दिलाने का ये प्रयत्न करेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल का बैठना लग्नेश होकर के बहुत शुभ नहीं। गुरुदेव बृहस्पति 6 जून को उदित हो जाएंगे जो कि अस्त चल रहे थे। शुक्रदेव शुरुआत में आपके सप्तम भाव में बैठे रहेंगे लेकिन अस्त पोजीशन में रहेंगे, उसके बाद ये 12 तारीख को 8वें भाव में गोचर कर लेंगे। सूर्य 15 दिन आपके 7वें भाव में और बाद में 15 दिन आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ये है प्लेनेटरी पोजीशन। शनि की ढैया यथावत जारी रहने वाली। अब जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो नौकरी यदि आप करते हो चाहे प्राइवेट या सेक्टर, तो वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म स्थान से लग्नेश का 9 पंचम योग बनाना और कर्मेश का अपने ही स्थान से 4-10 का संबंध कार्य क्षेत्र में आपको सफलता तो दिलाएगा ही। चाहे नौकरी आप छोटी करते हो बड़ी या बड़ी करते हो, स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहे। लेकिन नौकरी में प्रमोशन होना, नौकरी में उन्नति होना या नौकरी नहीं मिलना, इस प्रकार के योग इस जून के महीने में बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। जो जहां लगा है वो आसानी से वहां पे लगा रहेगा, मेहनत करते रहिए। फल थोड़ा देर से सही लेकिन आपको ठीक ठाक मात्रा में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापारियों के लिए वैसे तो गोचर अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वो थोड़ा पार्टनर पर आंख बंद करके विश्वास न करें, क्योंकि पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न होते हुए भी दिखाई पड़ रही है। अगला दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि लग्नेश का छठे भाव में गोचर करना बहुत शुभ नहीं माना जाता है, और इधर लग्नेश के एक तरफ बैठे हैं राहु तो दूसरी तरफ बैठे हैं बुध शुक्र गुरु और सूर्य। पाप कत्री योग में फंस रहे हैं लग्नेश, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत होती है तो भैया हनुमान चालीसा एक बार सवेरे और एक बार शाम को आप पाठ करिए, इससे आपको बड़ा जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस माह जून के महीने में वृश्चिक राशि वालों का भाग्य बहुत बढ़िया साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ये 6 तारीख के बाद उदित होंगे। और दूसरी चीज, लग्नेश का भाग्य भाव पे नीच की दृष्टि डालना कहीं ना कहीं भाग्य को बाधित करने का काम करेगी। तो कोई नए काम कारोबार में आप हाथ मत डाल दीजिएगा, अन्यथा आप परेशान हो सकते। जो लोग देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस महीने बेचैनी, चिड़चिड़ाहट
वगैरह आपको अधिक महसूस होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध बना करके रखिए, पति पत्नी आपस में नोक झोंक ना करें तो आपके लिए अच्छा है, और वहीं पर प्रेमी जोड़े भी थोड़ा सावधानी बरतें। यह समय जून का वृश्चिक वालों के लिए संघर्ष पूर्ण रहने वाला है। आमदनी की यदि बात करें तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट नजर आ रहा है कि आमदनी का जो भाव है ये आपका ठीक ठाक बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी या व्यापार जो कुछ कर रहे हो, पैसा आपके पास आता रहेगा, इतना ही सुकून इस महीने जून के दिखाई पड़ रहा है। उपाय में भैया मैंने आपको बता दिया, हनुमान चालीसा एक बार सवेरे एक बार शाम को पाठ करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिख करके वीडियो को लाइक करिएगा। वैसे मैंने कुछ अच्छा तो बताया नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि जून का महीना संघर्ष लेकर के आपके लिए आ रहा है, और उधर अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो भैया थोड़ी दिक्कत जरूर बनी। कल मिलते हैं, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।